टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड डिफेंस जॉब। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कोडरमा चौकीदार पेपर, ठीक है, कोडरमा चौकीदार का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपका एग्ज़ाम 25 सितंबर को है और जो है आज 22 तारीख ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और चौकीदार, ठीक है, आप लोग जो कोडरमा चौकीदार का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे सभी वीडियो को जरूर देख ले। ये पार्ट 3 है, इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है दोस्तों। और 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जिला संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो आपके चौकीदार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों मैं रंजीत सर आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहें। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब स्क्रीन देख सकते हैं, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल कोडरमा जिला में स्थित है, ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कौन सा पर्यटन स्थल कोडरमा जिला में स्थित है? बरुआ शरीफ, शहीद निर्मल महतो और जबरा पार्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों के लिए अगला सवाल, कोडरमा में कितने पार्क को झार पार्क में शामिल किया है? हम ऐसे ऐसे प्रश्न लाए हैं दोस्तों, आपके बुक में भी नहीं मिलेंगे, तो आप इस प्रश्न को देख लीजिए। तो दोस्तों कोडरमा में कितने पार्क को झार पार्क में शामिल किया गया है? एक भी शामिल नहीं किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा A 0। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सी पहाड़ी कोडरमा जिला में स्थित है, ठीक है दोस्तों, कोडरमा कौन सा पहाड़ी कोडरमा जिला में स्थित है? अच्छा सवाल है, मका मारो पहाड़ी, आपको याद रखना है माका मारो पहाड़ी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माका मारो पहाड़ी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पहाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है। और दोस्तों आप देख लीजिए कौन सा पर्यटन स्थल कोडरमा जिला में स्थित है, तो आप याद रखिएगा तिलैया डैम कोडरमा में ही है, तिलैया डैम। और ये है दोस्तों हजारीबाग कोडरमा रोड में स्थित है, ठीक है। और मैं आप लोग को बताऊंगा कोडरमा अभ्यारण्य भी यहीं पर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में, इनमें से कौन किस खनिज का कोडरमा जिला में सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? इसका कहना ये है दोस्तों कि कोडरमा जिला में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये एग्जाम में आपके सवाल पूछेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा B अवधक नगरी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अवधक, अवधक सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है दोस्तों। इसका अवधक का इंग्लिश नाम माइका है, ठीक है, माइका। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, कोडरमा जिला के को भारत के किस खनिज की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? तो ये अवधक राजधानी होगा ऑप्शन नंबर B। आप याद कर लीजिएगा अवधक राजधानी कोडरमा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूँ, आप लोग के लिए गुड न्यूज है। यदि आप कोडरमा चौकीदार का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कोडरमा चौकीदार का, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर पढ़ के जाए, देख सकते हैं स्क्रीन में 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हमारे जो भी छात्र लिए, इसमें मैं बता देता हूँ 155 छात्र इसको ले चुके हैं अभी तक। यदि आप नहीं लिए हैं तो आप इसे जरूर ले लें दोस्तों, 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट। आपके एग्जाम में इसी मॉडल सेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें झारखंड जीके के क्वेश्चन रहेंगे और आपका कोडरमा जिला का क्वेश्चन भरा हुआ है। और इसका जो प्राइस है 149 रुपया है दोस्तों, ये पुराना नया रेट है और अभी इसका ऑफर में दिया जा रहा है, मात्र आपको 119 रुपया में ऑफर में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हैं, यदि लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, 7903486379। आप इस नंबर में
पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप करना है यही नंबर में 7903486379। अकाउंट नेम में रंजीत कुमार आएगा, अकाउंट नेम रंजीत कुमार आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसी अकाउंट में आपको 119 रुपया का पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको जिला का नाम और स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपको 2 मिनट के अंदर PDF दे दिया जाएगा दोस्तों। और इस 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट को आप पढ़ के जाते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा दोस्तों। अब यदि आपको वर्दी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि हम सरकारी जॉब ले, तो आप 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट जरूर पढ़ के जाए। बहुत ही कम कॉस्ट में दिया जा रहा है, मात्र 119 रुपया में आप कोडरमा का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, ठीक है। 119 रुपया बहुत ही कम कीमत में, और आपका एग्ज़ाम में काम आएगा। पलामू में दोस्तों मैं बता दूँ, हमारा 37 क्वेश्चन लड़ा था दोस्तों, और पाकुड़ में 31 क्वेश्चन, सिमडेगा में 36 क्वेश्चन, सिमडेगा में 36, पाकुड़ में 31, और आपका 36 क्वेश्चन शायद पलामू में लड़ा था। तो हमारा सभी ज़िले में क्वेश्चन टकरा रहा है दोस्तों, इसी से भिड़ेंगे। तो आप ले लीजिएगा, हमारा नंबर को नोट कर लीजिए दोस्तों। आपके स्क्रीन में मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, 7903486379। आपको मात्र 119 रुपया का पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालिएगा, आपको 2 मिनट के अंदर PDF दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। कोडरमा जिला इनमें से किसी एक का उपनाम से जाना जाता है, तो कोडरमा जिला का जो दोस्तों उपनाम है वो आपको बताना है, इसका उपनाम क्या है, ठीक है। तो इसका उपनाम दोस्तों चमकीली धरती के नाम से जाना जाता है, चमकीली धरती कोडरमा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। आपके लिए जरूर आएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कोडरमा जिला को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया, ठीक है, आपको बताना है। ऐसा सवाल, ये क्वेश्चन आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कोई बुक में नहीं मिलेगा, मैं आप लोग के लिए करवा रहा हूँ। चलिए, तो इसका जो है भूकंप जोन 3, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भूकंप जोन 3, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, कोडरमा जिला का गौतम बुद्ध अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस लिए फेमस है। चलिए बताइए फटाफट, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चीतल और सांभर और नीलगाय, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, चीतल सांभर और नीलगाय, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिला में है, कोडरमा, ऑप्शन नंबर बी कोडरमा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। कोडरमा जिला में स्थित गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर डी। मैं दोस्तों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसमें आपका टाइम का बचत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों जो आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। कोडरमा जिले में कितने पंचायत है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 109, 109 इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कितने पंचायत है 109 को। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोडरमा जिले से होकर गुजरता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा NH 31, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोडरमा जिले से होकर गुजरता है, NH 31। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र वर्तमान का विधायक कौन है, आपको बताना है। तो नीरा यादव, ऑप्शन नंबर डी नीरा यादव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, कोडरमा जिला में कुल कितने गांव हैं, आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 577 गाँव है, 577 गाँव है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कोडरमा जिले में कुल कितने पुलिस स्टेशन है, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 पुलिस स्टेशन 11 को है। चलिए अगले क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों क्या बताऊँ। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी
केंद्र के किस मंत्री पद पर आसीन है। देखिए मैं आप लोग के लिए ऐसा ही क्वेश्चन सेट किया हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। हमारा मॉडल 33 सेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 119 रुपया कितना आएगा और जाएगा, आप हमारा 33 सेट को ले लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, उसे आप लेकर जरूर पढ़े, आपका काम जरूर आएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में सेट नहीं किया गया है, हम लोग मेहनत करके बनाया है। कौन सा नदी कोडरमा जिला में बहती है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कोडरमा की वर्तमान विधायक नीरा यादव 2019 रघुवर सरकार में मंत्री पद पर आसीन थी, उपरोक्त में कौन सा मंत्रालय मिला था। देखिए कितना अच्छा सवाल है, आपका एग्जाम में आएगा। तो इसको क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री नीरा यादव कोडरमा, नीरा यादव कोडरमा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोडरमा ताप विद्युत केंद्र कोडरमा जिला के किस प्रखंड में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पैसा मत देखिए, प्रैक्टिस सेट देखिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जयनगर, ऑप्शन नंबर बी जयनगर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कोडरमा जिला में स्थित कोडरमा ताप विद्युत गिरी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों, नेट से बनाया गया है पूछ कर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर ए 1000 मेगावाट। चलिए दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से, जो छात्र बाद में आए उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। यदि आप कोडरमा का मॉडल प्रैक्टिस लेना सेट लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी ले लीजिए दोस्तों, समय ना के बराबर बचा हुआ है। आप इसे 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट जरूर पढ़ के जाए तभी फायदा होगा दोस्तों, एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप तैयारी करते हैं तभी आप एग्जाम दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको झारखंड जी के जिला संबंधित पदस्थ आपको PDF दिया जाएगा व्हाट्सएप में दोस्तों। इसका प्राइस 119 रुपया ऑफर में रखा गया है, 119 रुपया। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8651884447। आप इस नंबर भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, फ़ोनपे गूगल पे यही है दोस्तों। इसमें आपको 119 रुपया का पेमेंट करना है। आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट नाम और जिला इस नंबर व्हाट्सएप में आपको व्हाट्सएप करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं एक बार PDF दिखा देता हूँ। सारा PDF आपको डिजिटल क्वालिटी का मिलेगा, देख लीजिए दोस्तों, कलरफुल रहेगी, ठीक है, कलरफुल रहेगी, आप प्योर डिजिटल PDF है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या आप हमको इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर भी आप हमको कॉल कर सकते हैं, 7903486379, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।